राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ दिनों से एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था। ये वही अस्पताल है जहां पर लालू प्रसाद यादव के फिस्टुला का सफल ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य लाभ और आराम के लिए डॉक्टरों ने पटना भेज दिया था। कहा गया था कि 3 महीने तक लालू प्रसाद यादव को कंप्लीट बेड रेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव पटना में थे, फिर उनकी हालत थोड़ी सी खराब हुई। चूंकि लालू प्रसाद यादव को हाई ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर की परेशानी है, इसके साथ ही साथ उनकी किडनी में भी काफी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट गए थे। इस बीच तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने के लिए मुंबई पहुंचे थे, अस्पताल में उनसे बातचीत हुई थी। बिहार की सियासत के बारे में लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव ने चर्चा की थी, ऐसी खबरें थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने जब ट्विटर पर लिखा था तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वो अपने पिता लालू प्रसाद का हालचाल जानने मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचे थे। आपको बता दें कि वहां से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसी खबरें हैं, राजद के अंदर खाने से ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि आज ही लालू प्रसाद यादव बिहार की गर्म सियासत के बीच पटना में लैंड करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उनकी प्रोविजनल बेल की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दी, उनके बेल को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को उनको सरेंडर का वक्त भी दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकीलों की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में उनके मेडिकल ग्राउंड पर यह बेल की अर्जी डाली गई थी, उनके प्रोविजनल बेल की अवधि को बढ़ाने के लिए अर्जी डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उनके प्रोविजनल बेल को खारिज कर दिया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को अब जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो आज ही पटना आ सकते हैं। पटना आने के बाद उनका आगे का क्या कार्यक्रम होता है, क्या लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त को सरेंडर भी करना है जैसा कोर्ट ने उन्हें कहा है।